हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका स्टाइल। तो आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही अच्छा रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। वो क्या है, वीडियो की एंड तक आपको सब कुछ पता लगेगा। और आप सभी देख सकते हो, मैंने नए साल स्टार्ट हो चुकी, तो नए तरीके से मैं रेमेडीज़ को यूज़ करना आपको बता रही हूँ, सिखा रही हूँ। तो इस तरीके से करने से आपके चेहरे देखते देखते ऑटोमेटिकली ग्लो करने लग जाएगा, शाइन करने लग जाएगा, आप चौंक जाओगे, तंग रह जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके फेस पे, कोई भी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो और आपको क्या चाहिए, फिर चेहरे पे इंस्टेंटली ग्लो चाहते हो, फेयरनेस चाहते हो, चमक चाहते हो, तो यही तो हमें चाहिए। और परेशानी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम दूर कर सके, तो हमें यही चीज़ चाहिए। तो ये रेमेडी आपने डेफिनेटली यूज़ क्यों नहीं करना है, डेफिनेटली यूज़ करना है। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, वो रेमेडी क्या है। तो सबसे पहले सर्दियों के टाइम पे आपने क्या करना है मैं आगे बताऊंगी। तो आपने एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है, एक चम्मच आपने बेसन ऐड करना है बस, और उसके बाद आधा चम्मच आपने ग्लिसरीन ऐड करना है, और आप कच्चा दूध भी ऐड कर सकते हो, और जो दूध उबला हुआ दूध है उसको भी ऐड कर सकते हो, जितना आपको ये पैक बनाने के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो आपने लास्ट तक देखोगे, और भी चीज़ मैंने ऐड किया हुआ है, और भी चीज़ मैंने किया हुआ है, तो वीडियो एंड तक देखोगे तब जाके टोटली समझ आएगा, तब जाके आपके चेहरे पर मेरी जैसी ग्लो, चमक, फेयरनेस आएगा, डेफिनेटली गारंटी देती हूँ। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना, और मुल्तानी मिट्टी को कभी भी आपने थीक नहीं अप्लाई करनी, बिल्कुल पतले या पतला आपने मुल्तानी मिट्टी अप्लाई करनी होती है आपके चेहरे पे। सर्दियों में आपके चेहरे ना तो काला पड़ेगा मुल्तानी मिट्टी की वजह से, ना चेहरे रुखे हुए हो जाएगी, ना ड्राई हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म करेगा। मगर मुल्तानी मिट्टी को इस चीज़ के साथ मिक्स करके आपने लगानी है, और लास्ट तक देखोगे और भी चीज़ मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने चेहरे पर अप्लाई करो इस पैक को, करके अपने जो है पतली लेयर में अपने अप्लाई करनी है, ज़्यादा मोटा नहीं बनानी है, ठीक है गाइज। तो अपने पतली लेयर में इसको अप्लाई करो और रखो कम से कम 15 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ड्राई होने तक भी नहीं रखनी होती है गाइज। तो 15 मिनट के लिए रखो, हल्का गिलाई हो जाता है। उसके बाद आपने क्या लेना है, अभी विंटर के सीजन में, विंटर के टाइम पर बहुत ही आसानी से मिलता है, किन्नू ले सकते हो या संतरे ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, ठीक है। उसको आधा कट करो और उससे 15 मिनट बाद अपने चेहरे को अच्छी तरीके से स्क्रब करते हुए, मसाज करते हुए उसको उतारना है। करो उसको करते करते अपने 5 मिनट के लिए अपने चेहरे पे, या 10 मिनट तक उसको, संतरे को या किन्नू को अपने अपने चेहरे पे स्क्रब करना है, मसाज करना है, इसी पैक को बिना धोए इसी के ऊपर करो। तो आप 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद फेस को नॉर्मल पानी, गुनगुना पानी से वॉश करके देखो गाइज, आपको एक ही बार में जो चेहरा चमकना उठा, ग्लो चेहरा आपको नहीं लगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हुए आपको नहीं मिला, तो मेरे को ज़रूर कहना। मुल्तानी मिट्टी आपकी चेहरे को टाइट रखता है, जो भी प्रॉब्लम से, जो भी ऑयल है उसको निकालता है, चेहरे पे सॉफ्टनेस ले आता है, फेयरनेस ले आता है, रिंकल्स को, झुर्रियाँ को गायब करता है, और आपके चेहरे बेहद खूबसूरत बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद बेसन, बेसन में तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बेसन लगाने से चेहरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदे का काम करता है, चेहरे की दाग और चेहरे की जितनी भी झुर्रियाँ, झाइयाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस, एज स्पॉट्स होते हैं, एंटी एजिंग का काम करता है, एज से पहले बूढ़े होने नहीं देगा, स्किन को टाइट रखता है, यौंग रखता है, जवान रखता है। दूध आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखता है, नरिशमेंट रखता है, फेयर करने के लिए अमेजिंग है, दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए बेहद ही अमेजिंग है दूध, ठीक है जी। उसके बाद हमने इस पर ऑरेंज से हम अपने चेहरे को स्क्रबिंग कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, इसकी वजह से जो भी आपके ऊपर स्किन डेट स्किन है, डेट लेयर, वो गल चुकी होती है, उसको कितनी अच्छी तरीके से ये नींबू रिमूव कर देता है। विटामिन सी होता है ऑरेंज में, इसकी बेस स्किन को ब्लीच करता है, फेयरनेस लाने के लिए अमेजिंग है गाइस। इसको एक बार जरूर ट्राई करें, मेरे कहने पे प्लीज़ एक बार ट्राई करो, और आप एक बार करके देखो। अपने इसको सिर्फ दो दिन छोड़ के, या रेगुलर कर सकते हो गाइस, रेगुलर आप एक हफ्ते तक करो, एक हफ्ते में आप देखोगे आपके चेहरे, रेगुलर रखो एक हफ्ते तक करो, और उसके बाद आपको अच्छी रिजल्ट्स मिली तो उसको रेगुलर रखो, आप रेगुलर करते जाओ, चेहरा आपको अच्छा मिलेगा, तो आप क्यों नहीं इसको छोड़ोगे, क्यों छोड़ोगे, इसको रेगुलर रखोगे ना, डेफिनेटली इसको ट्राई करना, फीडबैक शेयर करना, और भी वीडियो चाहते हो कमेंट करो, प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। बस आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय।